अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता इफ्तार के लिए। पास्ता बनाने के लिए हम पानी ले लेंगे एक भगोने में, इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। बॉईल होने के बाद इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ते को अच्छे से बॉईल करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसमें, अब हाफ स्पून नमक है और ये 250 ग्राम्स पास्ता है। अब एक बर्तन में हम, जब तक पास्ता बॉईल होता है, हम इसका ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे, 1 डली प्याज डाल देंगे इसमें, 1/2 इसको फ्राई करेंगे प्याज को। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 स्पून्स अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये, अच्छे से फ्राई करेंगे इसके लिए हम। अब अच्छे से फ्राई हो चुका है अदरक लहसुन का पेस्ट, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 हल्दी पाउडर और ये 2 टोमेटोस है कटे हुए, इसको ऐड कर देंगे इसमें और इसमें 1/2 नमक डालेंगे, हाफ स्पून। थोड़ा सा नमक हमने पास्ता में भी ऐड किया था बॉईल करने के वक्त। अब हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्ची का जो पाउडर है उसको ऐड करेंगे और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। वन टीस्पून हम इसमें टोमेटो सॉस ऐड करेंगे। इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है पास्ता में। और 1 टीस्पून हम विनेगर ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सी खटास आ जाती है इसमें विनेगर ऐड करने से। अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अब ये हमारा पास्ता भी अब रेडी हो गया है। अब हम इसमें से पानी को ड्रेन कर लेंगे। ये थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे हम इसमें। सब चीज़ों को अच्छे से भून लीजिए। अब थोड़ी देर के लिए रख देंगे इसको ढककर। अब हम इसमें जो पास्ता हमने ड्रेन किया था उसको ऐड करने से पहले 1/2 वाटर इसमें ऐड करेंगे। अब हम जो पास्ता ड्रेन करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दीजिए अब पास्ता इन सारी चीज़ों में। जो हमने ग्रेवी रेडी की है उसमें हम पास्ते को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इफ्तार में खा सकते आप या ब्रेकफास्ट में खा सकते, बच्चों को टिफ़िन में पैक करके दे सकते। थोड़ी सी रेड ग्रीन चिली डालेंगे इसमें ऊपर से और ये 1/2 कोरिएंडर लीव्स। देखिए अब हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है, सर्व कर लीजिए। अब
बहुत ही यम्मी लग रहा है अभी ये देखने से। से आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंजॉय कीजिए अपनी डिश। अल्लाह हाफिज़।